वेलकम गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G मोबाइल में दोस्तों आप ऐप को कैसे हाइड करेंगे। दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी पर्सनल एप्लीकेशन रहती है उसको आप आसानी से हाइड कर पाएंगे, ऐप बार से छुपा पाएंगे। तो कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल में ऐप को हाइड करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको करना है कि अपने होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, हाइड ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक कोड सेट कर लेना है। कोई भी आप कोड सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप हमने दोस्तों यहाँ पहले से कोड सेट किया, सेट कर लेता हूँ और वो कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे डाल देंगे दोस्तों आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, यानी शो हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। अब जो भी एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है, ऐप बार से छुपाना है, उसके सामने आपको टिक क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, मैं यहाँ पे ये प्ले इट और दोस्तों शेयर चैट, दो एप्लीकेशन दोस्तों मैं यहाँ पे शेयर चैट को कंफर्म कर क्लिक कर देता हूँ और इस पर कंफर्म करेंगे ये शेयर चैट आ जाएगा। फिर से प्लस पे जाएंगे और यहाँ पे प्ले इट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंफर्म कर देंगे दोस्तों, हमारे दो एप्लीकेशन यहाँ से हाइड हो जाती हैं। अब दोस्तों मैं बैक आ जाऊँगा, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा जो ऐप हाइड हुआ है वो होम स्क्रीन पर देखने को मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारे मोबाइल में प्ले इट जो एप्लीकेशन था वो भी नहीं देखने को मिल रहा है, और दोस्तों मैंने दो एप्लीकेशन हाइड किया था वो दोनों यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में आसानी से ऐप को हाइड कर पाओगे। तो वीडियो सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।